वहाँ मंदिर बंद कर दिए हैं और यहाँ नमाज अदा करने के लिए रूम खुले हैं। ये कोई मंदिर कोई मस्जिद नहीं है विधानसभा भवन, कोई गुरुद्वारा है न कोई चर्च है। इरफान अंसारी की नमाज हमें क्या पढ़ाएंगे, इरफान अंसारी को बहुत जल्द हम जो है हिंदू धर्म में मिलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसटी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला विधानसभा आस्था का मंदिर बना हुआ है। जब से विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरे को अलॉट किया गया है उसके बाद से बीजेपी हनुमान मंदिर बनाने के लिए भी जगह मांग रहे हैं और आज विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन बीजेपी के जो विधायक हैं वो हरि कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो में देखिए किस तरीके से बीजेपी विधायक विधानसभा पोर्टिको के बाहर हरि कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी विधायक नारायण दास जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोग जो हरि कीर्तन कर रहे हैं विधानसभा में, ऐसा लग रहा है सर कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला वो आस्था का मंदिर बन रहा है। देखिए हम उस देश के वासी हैं जो आस्था के साथ चलता है और ये सरकार 18 महीने की सरकार है और बाबा वैद्यनाथ का मंदिर सिर्फ देवघर वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक आस्था का केंद्र है। वो मंदिर होने से स्थानीय लोगों का व्यापार भी चलता है, लोगों को रोजी रोटी भी मिलता है और सारे वहाँ के लोग मंदिर पर ही आश्रित हैं। सारे लोगों का व्यापार उसी से चलता है और सारे लोगों का जीवन उसी पर यापन होता है। बराबर मुख्यमंत्री जी को आवेदन देने के बाद भी, उनसे मिलने के बाद भी कि सर आप श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं और 18 महीने की सरकार है, एक बार भी तो श्राइन बोर्ड की बैठक कीजिए। हम जैसे जनप्रतिनिधि जो वहाँ के स्थानीय हैं, मंदिर की बातों को आप लीजिए। वहाँ का पुरोहित समाज रोज आंदोलन कर रहा है। आपको भी पता होगा कि देवघर बंद हो गया, आपको भी पता होगा कि वहाँ के व्यवसायिक समाज जो है वो हाथ में कटोरा लेके भीख मांगने का काम कर रहे हैं। हम जैसे जनप्रतिनिधि का ये फर्ज होता है और बराबर सरकार को आगाह करने के बाद ये सरकार कुमकन्नी नींद में सोई हुई है। ये निर्दयी सरकार है जिसको जनता की से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस सरकार को हम लोग आगाह करने के लिए आए हैं कि आप जल्दी मंदिर खोलें, अन्यथा वहाँ के लोग आंदोलित हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि आप हिंदू धर्म के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे और मुस्लिम तुष्टिकरण के तहत दूसरे धर्म को बढ़ावा देंगे तो ये सरकार जिस प्रकार आपने बाबा को नजर बंद करके रखा है, उसको कैद करके रखा है, आपको भी यहाँ की जनता कैद कर देगी। ठीक है, ये तो बाबा वैद्यनाथ की बात हो गई कि मंदिर अभी तक नहीं खुला है झारखंड में, लेकिन आप लोग जो यहाँ पर विधानसभा में जो कर रहे हैं हरि कीर्तन कर रहे हैं और नमाज के लिए जो रूम अलॉट किया गया है उसका विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में क्या? नहीं, विरोध तो होना ही चाहिए। आखिर एक धर्म, नहीं आखिर एक धर्म के साथ क्यों? आप वहाँ मंदिर बंद कर दिए हैं और यहाँ नमाज अदा करने के लिए रूम खुले हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको तो सबों की सोच रखनी चाहिए। आप सबके मुख्यमंत्री हैं, आप एक जाति के मुख्यमंत्री नहीं है ना, आप एक धर्म के मुख्यमंत्री नहीं है ना। ये अच्छी बात है, आप कोरोना गाइडलाइन के तहत ही जो डबल वैक्सीन लिया है उसको कम से कम मंदिर कोरोना गाइडलाइन के तहत घुसने दीजिए। आप उसका टेस्ट करा लीजिए, कुछ सीमित लोगों को घुसने दीजिए। कई अर्घा लगते हैं, आप पूरे जगह अर्घा लगा दीजिए ताकि लोग जलार्पण तो कर सकें। आप बंगाल की बात कीजिए, देखिए बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है लेकिन वहाँ तारापीठ मंदिर है वो खुला हुआ है और आपको निश्चित रूप से ये सरकार को मंदिर खोलना होगा, अन्यथा क्षेत्र की जनता ये ठान चुकी है कि जिस तरह बाबा को आपने कैद किया है आप भी कैद होंगे। खासतौर पे बीजेपी विधायक नारायण दास हमारे साथ बात कर रहे हैं जिन्होंने कह रहे हैं कि अगर नमाज पढ़ने के लिए रूम अलॉट किया जा सकता है तो झारखंड में मंदिर क्यों बंद है, उसे भी खोला जाना चाहिए। चलिए हम और कई विधायकों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा में जो नमाज पढ़ने के लिए रूम अलॉट किया गया है उसका ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन मांग कर रहे हैं कि इनके लिए भी एक हनुमान मंदिर विधानसभा में बनाने की जगह दी जाए। तो हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी विधायक अंधेर जी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि हरि कीर्तन जो आप लोग कर रहे हैं विधानसभा के बाहर, ये नमाज पढ़ने के लिए जो रूम अलॉट किया गया आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन पुराने विधानसभा में तो ये व्यवस्था। देखिए ये नए विधानसभा बने, ये लोकतंत्र का मंदिर है। ये नए विधानसभा जो देख रहे हो आप, पूर्व की रघुवा जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लोकतंत्र के मंदिर को बनाया है राज्य के 3.25 करोड़ जनता के समस्याओं का समाधान के लिए। चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के सौदात को लेकर आते हैं और उनकी आवाज को बुलंद करते हैं यहाँ पे। ये कोई मंदिर कोई मस्जिद नहीं है विधानसभा भवन, न कोई गुरुद्वारा है न कोई चर्च है, बट इस सरकार ने जो है मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति
ये हद इतनी हद में नीचे सका की गई कि एक धर्म विशेष के लिए आपने नमाज अदा करने के लिए आपने यहाँ पे जो कमरा आवंटन करने का काम किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी चुने हुए विधायकों का हम लोग की मांग है कि आप इस आदेश को रद्द करो, अगर आप रद्द नहीं करते हो तो आप हमें भी एक बड़ा हॉल या हमारी संख्या ज्यादा है उस नाते हमें ज्यादा कमरा आवंटन आप करो ताकि हम सोमवार को वहाँ शिव तांडव और शिव चालीसा का पाठ कर सकें, मंगलवार को हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें, शनिवार को हम शिव काली जी का चालीसा का पाठ कर सकें, पूजा कर सकें, तप कर सकें और मेडिटेशन कर सकें, ध्यान कर सकें, योगा कर सकें। तो इसमें आपत्ति क्या है भाई, आपने एक धर्म के लोगों को दिया है, आप हमें भी दे दो, ईसाई धर्म के लोगों को भी दे दो, आप जो है सिख धर्म के लोगों को भी दे दो। तो आप तो एक जाति धर्म को खुश करने की भाई ये गलत परंपरा की शुरुआत आपने की है, तो हम तो ये नहीं करते कि आप उसे आपने पिछले विधानसभा में किया था, इस विधानसभा में किया, आपने ये को दिया, बाकी को भी दे दो, आप दो रद्द करो आप। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी कहते हैं कि सोमवार को सभी बीजेपी विधायकों को वो नमाज पढ़ाएंगे। इरफान अंसारी की नमाज हमें क्या पढ़ाएंगे, इरफान अंसारी को बहुत जल्द हम जो है हिंदू धर्म में लाएंगे, उसका धर्मांतरण करेंगे, उनके पूर्वज हिंदू थे, उनका डीएनए का जांच की है तो वो हिंदू थे, उन्हें धीरे धीरे हम हिंदू धर्म में मिलाएंगे वापस, वो पहले अपना डीएनए जांच करावे, वो हमें नमाज क्या पढ़ाएंगे, उन्हें भी हम हिंदू धर्म में वापस लाएंगे। फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं कि विधानसभा के पोर्टिको के बाहर है हम और यहाँ पर लोकतंत्र का कहा जाने वाला विधानसभा का जो मंदिर है वो अवस्था का मंदिर बनता जा रहा है। अब देखना होगा स्पीकर इस पर क्या निर्णय लेते हैं और क्या बीजेपी विधायकों के लिए एक अलग से मंदिर बनता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DHD News।